देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज सीतामऊ में भाजपा नेता विनय जांगिड़ के नेतृत्व में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। रविवार सुबह 9 बजे से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत के अंतर्गत मैराथन दौड़ प्रतियोगिता लदुना से प्रारंभ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में बालक एवं बालिकाओं ने इस मैराथन दौड़ में भाग लिया, जिसका समापन सीतामऊ श्रीराम विद्यालय ग्राउंड में किया गया। मैराथन दौड़ में शामिल होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रधानमंत्री का चित्र लगा टी शर्ट दिया गया। साथ ही इस मैराथन में प्रथम आने वाले बालक व बालिका को 11,000 रुपए का पुरस्कार व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री विनय जांगिड़ ने युवाओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखे। नैन सिंह गुजर। कितनी दूर से आए हो भैया? हम 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। कौन सा गांव है सर? टाटका। सुहासरा में आते हैं? सुहासरा। अभी इस प्रतियोगिता में कौन सा नंबर पे आए हो? फर्स्ट नंबर। मैं चांदनी कुंवर देवड़ा, पिता एक आर्मी शरवंत सिंह देवड़ा की पुत्री। मैं शामगढ़ के अल्फा सीनियर स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं प्रथम आई। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने माता पिता का अपने स्कूल का नाम ऊंचा कर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों को आह्वान करा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें, उसी को लेकर हमने सुहासरा विधानसभा में आज ये मैराथन का रनिंग करवाई है और इसमें हजारों जो की तादाद में युवा दौड़े हैं और आगे भी हम इस प्रकार के कितने बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है, कितने बच्चों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में? मैंने कहा कि हजारों की तादाद में जो है युवा इसमें सम्मिलित हुए हैं और फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज आए हैं जो भी युवा दौड़ा है और ये जन जागरूकता के लिए हमने रनिंग करवाई है और आगे भी इस प्रकार की जन जागरूकता के लिए हम रनिंग करवाते रहेंगे। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।